भारतीय जनता पार्टी के आरक्षण विरोधी नीति के खिलाफ यह एक दिवसीय प्रतिनिधि सम्मेलन है। भारतीय जनता पार्टी ने जो कुचक्र रचा है उसको हम लोग आज एक एकजुटता दिखा करके और उसको समाप्त करने का संकल्प लेंगे और इस अभियान को हम लोग पंचायत के अंदर घर घर जाकर के लोगों को बताने का काम करेंगे कि जिस तरह से हम लोग को भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग हम लोग को दबाने का काम कर रहे हैं। निकाय चुनाव टलने के बाद अब तमाम सियासी दल के लोग गांधी मैदान में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड ने इसकी शुरुआत की और अब बिहार सरकार मदन सहनी केंद्र सरकार के खिलाफ धरना पर बैठे हुए हैं। मदन सहनी ने कहा कि बीजेपी की साजिश है कि आरक्षण खत्म किया। आपको बता दें कि महात्मा गांधी की मूर्ति के नीचे कई कार्यक्रम किए जा रहे हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से बताया जा रहा है कि भाजपा अति पिछड़ा का आरक्षण खत्म करना चाहती है और जिससे जो अधिकार मिला हुआ है वो अधिकार छीन जाएगा। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं मदन सहनी और पटना के गांधी मैदान के नेतृत्व में जनता दल तमाम विपक्षी एक एक ये देखने को मिल रहा है कि महात्मा गांधी के पिछड़ा के सम्मान में नारेबाजी आज माननीय मदन सहनी जी के साथ पूरे बिहार अखिल भारतीय अत्यंत पिछड़ा वर्ग महासभा की ओर से आयोजित की गई है। भारतीय जनता पार्टी के आरक्षण विरोधी नीति के खिलाफ यह एक दिवसीय प्रतिनिधि सम्मेलन है जिसमें बिहार के विभिन्न जिला से सभी लोग आए हुए हैं और जो आरक्षण को न्यायालय के द्वारा रोक लगाई गई है या उनके द्वारा यह कहा गया है कि आप अत्यंत पिछड़ा वर्ग के जो आरक्षित सीट पर है उस पर समान वर्ग से चुनाव करावे जिसको बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने नहीं मानते हुए और उसको स्थगित करने का काम किया है और सभी तरह का विकल्प उन्होंने रखा है जिसमें सर्वोच्च न्यायालय भी जाने का है या अन्य कई विकल्प है जिसके द्वारा अत्यंत पिछड़ा वर्ग को जो पहले से आरक्षण दिया जा रहा है उसको आगे भी लागू करना है और यही विश्वास को हम लोग आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के प्रतिमा के समीप गांधी मैदान में यहाँ उपस्थित हुए हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो हम लोग को आरक्षण अत्यंत पिछड़ा वर्ग को पंचायत के अंदर और नगर निकाय के अंदर में दिया है हम सभी लोग जानते हैं कि यह बरकरार रहेगा और भारतीय जनता पार्टी ने जो कुचक्र रचा है उसको हम लोग आज एक एकजुटता दिखा करके और उसको समाप्त करने का संकल्प लेंगे और इस अभियान को हम लोग पंचायत के अंदर घर घर जाकर के लोगों को बताने का काम करेंगे कि जिस तरह से हम लोग को भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग हम लोग को दबाने का काम कर रहे हैं। आज हम लोग को नगर निकाय और पंचायत के अंदर आरक्षण छीनने का कोशिश कर रहे हैं। आने वाला समय में हो सकता है कि हम लोग को सरकारी नौकरी से भी आरक्षण छीनने का काम करें तो हम लोग पहले से ही पिछड़ा है और आगे जाकर के हम लोग की स्थिति खराब होगी। तो आज हम लोगों ने संकल्प लिया है कि हम लोग एकजुट होकर के और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हम लोग अपने अभियान को जारी रखेंगे और श्री नीतीश कुमार जी जिन्होंने हम लोग को आगे ले जाने का काम किया है सरकार की योजनाओं से जोड़ने का काम किया है आरक्षण देने का काम किया है उनके साथ हम लोग कदम से कदम मिला करके चलने का आज संकल्प लेते हैं। ये लो मुंह मीठा करो आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब ये घर कैसे चलेगा हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे। इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ हमने पूर्णिया में घर ले लिया है पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा बड़ा घर आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।